और शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे, हरियाणा की राजनीति को लेकर सूत्र जो बता रहे हैं, सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं मनोहर लाल। मनोहर लाल करनाल से लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जेजेपी और बीजेपी का गठबंधन भी टूटने की कगार पर है। खबर ये भी आ रही है कि पूरा मंत्रिमंडल भी इस्तीफा दे सकता है। तो ये बड़ी जानकारी है इस वक्त, और अकेले लड़ेगी बीजेपी चुनाव लोकसभा का। एक और बड़ी अपडेट है, हरियाणा में टूट सकता है बीजेपी जेजेपी गठबंधन। गठन मंत्रिमंडल आज इस्तीफा दे सकता है, नए सिरे से गठित हो सकता है मंत्रिमंडल। ये बड़ी खबर आपको बता दें, नए मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होगी जेजेपी, सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर इस वक्त। तो जैसा आपको पहले बताया कि अकेले लड़ेगी हरियाणा में बीजेपी लोकसभा का चुनाव, लेकिन उससे पहले जो पूरा कैबिनेट है वो एक साथ इस्तीफा दे सकता है, ये बहुत बड़ी अपडेट है। हालांकि ये जो जानकारी है, इससे पहले ये कयास थे राजनीतिक गलियारों में, लेकिन इस वक्त जो ये खबर आ रही है सूत्रों के हवाले से, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अंकुश महाजन इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस पूरी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। अंकुश, क्या कुछ जानकारी? खबर ये भी आ रही है कि मनोहर लाल खट्टर इस्तीफा दे सकते हैं, करनाल से लोकसभा चुनाव में मैदान में जा सकते हैं, जेजेपी का गठबंधन भी टूट सकता है। बिल्कुल, इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि हरियाणा सरकार जो है वो सामूहिक तौर पर इस्तीफा दे सकती है, और खास तौर पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर भी अपने पद से इस्तीफा दे सकते हैं और वो करनाल से लोकसभा उम्मीदवार बनाए जा सकते हैं। इसको लेकर अटकलें चल रही है, हालांकि कुछ ही देर में ये साफ हो पाएगा, क्योंकि 11:30 बजे के आसपास हरियाणा निवास, जहाँ पर हम इस वक्त मौजूद हैं, यहाँ पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने भाजपा और तमाम जो निर्दलीय विधायक हैं उनकी यहाँ पर एक अहम बैठक बुलाई है, और इस बैठक के बाद ये कयास लगाए जा रहे हैं कि यही से सामूहिक तौर पर जो है वो मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में सारे राजभवन जाएंगे और वहां पर जाकर अपना सामूहिक इस्तीफा जो है वो सरकार का राज्यपाल को सौंपेंगे। और जिसके लिए ये भी जानकारी मिल रही है कि राजभवन में पूरी जो तैयारियां कर ली गई है, अभी सुबह भी कुछ निर्दलीय विधायकों ने मुख्यमंत्री आवास पर जो है मुख्यमंत्री से मुलाकात की है, और उसमें जो बाहर निकले उसके बाद ये साफ कर दिया है कि जेजेपी के साथ गठबंधन को लेकर अब जो है अटकलें चल रही थी कि वो टूट सकता है, और उसके ऊपर कुछ मोहर लगाते हुए नजर आए हैं, और आज जो है गठबंधन टूट सकता है क्योंकि जेजेपी लगातार जो है वो ज्यादा सीट मांग रही है। और एक और बड़ी खबर इसी बीच हरियाणा से जुड़ी हुई है, राजनीति के गलियारों से ये खबर है जो सूत्र बता रहे हैं। आज ही सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं मनोहर लाल खट्टर, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा तरुण चुग दिल्ली से चंडीगढ़ रवाना हो चुके हैं, बड़ी खबर। संजय भाटिया नायब सैनिक का नाम सीएम पद की रेस में आगे चल रहा है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता। और एक और बड़ी खबर इसी बीच हरियाणा से जुड़ी हुई है, राजनीति के गलियारों से ये खबर है जो सूत्र बता रहे हैं। आज ही सीएम पद से इस्तीफा दे सकते हैं मनोहर लाल खट्टर, सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें। पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा तरुण चुग दिल्ली से चंडीगढ़ रवाना हो चुके हैं, बड़ी खबर। संजय भाटिया नायब सैनिक का नाम सीएम पद की रेस में आगे चल रहा है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको।